तो दीपिका अद्वैत बोध दीपिका से उद्धृत करते हुए कह रही हैं कि ग्रंथ कहता है कि न कुछ पैदा होता है और न ही कुछ विनष्ट होता है, मरता है। तो पूछ रही हैं कि क्या समझें इससे। ग्रंथों के वचन, महर्षियों के वचन समझने के लिए नहीं होते, वो दवाएं होती हैं। वो मन को पार का इशारा देती हैं, वो मन की अवस्था को पलट देते हैं, बदल देते हैं। हम किस में जीते हैं? लगातार हम उसमें जीते हैं जो आता है और जाता है। अभी ये पानी आया, थोड़ी देर पहले ये नहीं था, फिर से ये वो नहीं है जो आया था, और आप अपनी अवस्था पर, अपने चित्त पर जरा गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वही सब कुछ जो नहीं होता फिर आ जाता है, फिर आने के बाद आपको सुहा जाता है, आपको प्यारा लगने लग जाता है, कोई नाता बना लेते हो आप उससे। वही सब कुछ दुख है, कष्ट है, पर जी हम लगातार उसी में रहे हैं। अगर ये आना जाना अनिवार्य है तो फिर दुख भी अनिवार्य है। कुछ आ जाए नया इसकी आशा, जो आ ही गया है वो चला ना जाए इसकी आशंका, यही तो दुख है। और हमारे साथ यही चलता रहता है, तो हमने इसी को जीवन मान लिया है, इसी को सत्य ही मान लिया है। हम कहते हैं यही तो जिंदगी है, जो नहीं है उसकी उम्मीद करो, जो है उसे बचाने की चेष्टा करो। आपसे जब भी कोई कुछ बोलता है तो इसी आगमन प्रस्थान की भाषा में बोलता है, चारों ओर से आप तक जो संदेश पहुंच रहे हैं, जो संसार पहुंच रहा है, वो बात ही इसी आयाम में कर रहा है। क्या नया आया? पुराना बचा कि नहीं? जो चाहिए वो मिला कि नहीं? जो नहीं चाहिए वो हटा कि नहीं? सब लगातार आपसे इसी भाषा में तो बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे में फिर महर्षि जैसा कोई होता है जो आपसे कह देता है, न कुछ आता है न कुछ जाता है, न जन्म है न मृत्यु है। झटका लगता है मन को, क्योंकि मन तो लगातार किस में डूबा हुआ है? आगमन प्रस्थान, जन्म मृत्यु,
पाने खोने में ही। वही सब आवाजें हैं जो हमें घेरे हुए हैं। और फिर महर्षि ने आपसे कह दिया, न कुछ आता है न कुछ जाता है। आप चौंक गए, आप कहिए कैसी बात, क्योंकि ऐसा तो हमारा अनुभव ही नहीं है कि कुछ न आए न कुछ जाए। हमारा अनुभव तो लगातार यही है कि समय है और समय में कुछ भी स्थाई नहीं। पर याद रखो कि अगर समय में कुछ भी स्थाई नहीं तो तुम्हारा दुख स्थाई हो गया। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं है कूद फांद में लिप्त रहने का, वो खेल प्रकृति के हैं। स्वभाव तुम्हारा मांगता है कुछ ऐसा जिस पर पूरा भरोसा कर सको तुम। जिसके हट जाने मिट जाने की कोई संभावना ही ना हो। तो इसलिए संतों ने, महर्षियों ने, संतों ने, कबीरों ने तुमसे उसकी बात करी है जो ना आएगा ना जाएगा। साई की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई आवे न जावे। क्यों बात करी साई ने, कबीर ने, उस साई की नगरी की जहां कोई आता नहीं जाता नहीं? क्योंकि तुम ऐसी ही नगरियों को जानते हो जहां कभी पधारते हो और कभी सिधारते हो, और उस नगरी में क्या मिला तुमको? क्षोभ मिला, कष्ट मिला। तुम क्षोभ से कष्ट से बिल्कुल ही समायोजित ना हो जाओ, बिल्कुल ही एडजस्टेड ना हो जाओ। इसलिए आवश्यक है कि बीच में कोई आके तुम्हारे कान में फूंक जाए कि एक शहर ऐसा भी है जहां ना पहुंचा जाता है और ना जहां से विदाई है। तुम्हारे अंधेरे में जैसे बिजली कौंध गई हो, चारों तरफ प्रतिक्षण अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन बीच में आए कबीर कुछ ऐसा बोल गए जो तुम्हारे पूरे माहौल के, पूरे मन के, पूरे संसार के खिलाफ है, जो कहीं देखने को ही नहीं आता। है कोई यहाँ पे जिसके जीवन में कुछ भी ऐसा हो जो अनवरत रहा हो, निरंतर रहा हो? है कुछ? दुख के साथ एक विचित्र और त्रासद बात यह है कि अगर वो अनवरत और निरंतर हो जाए तो तुम्हें उसका अनुभव होना बहुत कम हो जाता है। तुम दुख में दुखी हो जाते हो। अब तुम अपने स्वभाव में नहीं हो, स्वभाव तुम्हारा आनंद का है, पर तुम दुखी हो लिए, और जो दुखी हो लिया उसके लिए दुख अब सामान्य और साधारण बात हो गई। और बहुत ऐसे घूम रहे हैं जिनके लिए आनंद अब अपरिचित और नई और विदेशी बात है। दुख उनको बहुत साधारण लगता है, इतना साधारण कि यदि वो किसी को दुख के प्रति विद्रोह करता पाए तो उससे कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? दुख के खिलाफ कोई विद्रोह होता है? जीवन दुखी तो है। तो कबीर तुमको याद दिलाते हैं कि ये जीवन मरण आवश्यक नहीं, ये पाना खोना आवश्यक नहीं। याद तुम्हें इसलिए दिलाते हैं ताकि तुम दुख को ही कहीं स्वभाव न मान लो, कहीं तुम दुखी होने को, दुखी जीने को अपनी नियति न मान लो।
बात आ रही है समझ? और उनकी नसीहत काम भी करती है। प्रमाण इसका ये है कि लाखों दिशाओं से, लाखों मुंहों से तुम तक यही आवाज आ रही है कि समय ही सत्य है। लेकिन एक ऋषि, एक संत, एक गुरु काफी होता है उन सारी आवाजों को काटने के लिए। उसकी बात तुम्हें अपनी बाकी सारी बातों से ज्यादा प्रिय और ज्यादा सच्ची लगती है। पढ़ा लिखा, सोचा समझा, स्वीकारा, सब भूल जाते हो। अभी तक मन का जितना रुझान था, मन में जितनी सामग्री थी, वो एक झटके में झूठी लगने लग जाती है। वही जैसे कोई अंधेरे में हो और आधे पल को बिजली कौंध जाए, बस आधे पल को। इतना काफी होता है ये प्रमाणित करने के लिए कि अंधेरा सच्चा नहीं। अंधेरा रहा होगा सालों से और अंधेरा होगा बहुत घना, और बिजली कितनी देर को कौंधी? आधे पल को। और वो आधा पल सदियों के अंधेरे को झूठा साबित कर गया। क्यों? क्योंकि अंधेरा स्वभाव नहीं, तुम थे अंधेरे में पर भीतर कहीं ना कहीं अंधेरे से राजी नहीं थे। तुम जैसे खुद तलाश में थे कि कहीं से एक प्रमाण मिल जाए कि अंधेरे के अतिरिक्त भी कुछ होता है, और आधे पल को ही सही तुम्हें वो प्रमाण मिल गया। आधे पल का वो प्रमाण, मैं कह रहा हूं, सदियों पर भारी पड़ता है। सदियों के अंधेरे पर आधे पल का प्रकाश भारी पड़ता है। तो लाखों लोगों ने तुम्हें जो सिखाया समझाया, उनकी नसीहत पर महर्षि की या कबीर की एक बात भारी पड़ जाती है। तभी तो दुनिया संतों से इतना घबराती है। वो जानते हैं कि हमने जीवन भर इसको संस्कारित किया, पर अगर ये घड़ी दो घड़ी भी संत के सानिध्य में बैठ आया, तो जो कुछ हमने इसको लिखाया, पढ़ाया, चटाया था, वो सब व्यर्थ है, ये तत्काल जान जाएगा। तुम देते रहो किसी को अंधेरे की दीक्षा, आंखें तो उसके पास अभी है ना। और आंखें तत्काल पकड़ लेंगी प्रकाश को। अंधेरा सिखाना पड़ता है और प्रकाश स्वयं अपना प्रमाण है। तो ऐसे ही दो चार बातें बोली जाती हैं, तुम्हें उनका अर्थ भी पूरा नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी वो बातें तुम्हें पकड़ लेती हैं। जैसे किसी ने सम्मोहन, जादू कर दिया हो तुम पर, तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुमसे क्या बोला गया, और जो बोला गया वो बड़ा अनर्गल भी लगता है, तार्किक नहीं है, कोई भौतिक प्रमाण नहीं उसका, लेकिन फिर भी तुम जान जाते हो कि बात तो यही सही है, बाकी सारी बातें झूठी, बात तो यही सही है, भले इसके लिए मन राजी ना होता हो, भले सारे तर्क और साक्ष्य इसके खिलाफ जाते हो, लेकिन बात तो यही सही है। तुम थोड़ा परेशान भी होते हो, तुम कहते हो कैसी बेहुदी बात है, ना कुछ पैदा होता है ना कुछ मरता है, और मेरे चारों तरफ तो सब मरी मर रहे हैं, अपना भी पता है कि मरने ही जा रही हूं। यहां तो ज्वार भाटा ही लगा हुआ है, आगमन प्रस्थान ही लगा हुआ है, और ये आकर के बोल गए और बिना प्रमाण दिए, बिना आगा पीछा सोचे, बिना कोई भूमिका बांधे, बस घोषणा कर गए। क्या ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। लियो,
अब होना तो ये चाहिए था कि उन्होंने बोला और तुम कहती पगला है, कौन इसकी बात सुने, कैसी बात बोल रहा है ये, ऐसी बात बोल रहा है ना जो ना देखी जाती ना सुनी जाती, हमारे सारे अनुभवों के विपरीत बात बोल रहा है। पर ऐसा होता नहीं, तुम उनकी बात को अस्वीकार नहीं कर पाते। ये तो छोड़ दो कि तुम उनकी बात को अस्वीकार नहीं कर पाते, वो थोड़े से शब्द, वो साधारण से शब्द तुम्हारे चित्त को पकड़ लेते हैं, तुम फंस गए, जादू कर दिया किसी ने तुम पर। और बात क्या बोली है, बात ऐसी बोली है जिसका कोई तुक नहीं, ना आगा ना पीछा, लेकिन वो बात पकड़ लेती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में युगों से रहने वाले ने अगर रोशनी की एक झलक देख ली तो वो झलक उसको पकड़ लेगी। अंधेरा शताब्दियों का है और प्रकाश की झलक मिली आधे पल को, लेकिन उसके चित्त पर छप क्या जाना है, प्रकाश। क्यों? क्योंकि चित्त का मूल है प्रकाश, क्योंकि चित्त का स्वभाव है प्रकाश, क्योंकि चित्त को प्यास है प्रकाश की ही। तुम उसे अंधेरा कितना भी दिए रहो, जिस दिन उसे एक किरण मिल गई, वो अंधेरे से अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ करके भाग लेगा किरण की ओर, और फिर उस पर इल्जाम लगेगा बेवफाई का। देखो शताब्दियों से इसका रिश्ता किससे रहा, अंधेरे से, और ये ऐसा बेवफा निकला कि जरा सी चमक मिली नहीं कि चल पड़ा। तो होता ही है संसार तो बेवकूफ बनता ही है। संसार जीव को पालता है, पोसता है, तमाम तरीके से शिक्षित संस्कारित करता है, लेकिन जीव की नियति थोड़े ही है संसारी होके रह जाना। तो संसार जिसमें जितना निवेश करता है वो सारा निवेश जाता तो व्यर्थ ही है, और फिर संसार छाती पीट पीट के रोता है, क्या बोलता है कि अरे इतना कुछ किया, इतना समय लगाया, इतना श्रम, और सब व्यर्थ गया। तो बिजली कौन दी है, बारी।